हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है और ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा अन्य देशों में भी पड़ने वाला है, जैसे कि एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में नजर आएगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ेगा। अन्य देशों में जो इसकी टाइमिंग रहेगी वो दोपहर 1:32 से शाम को 7:27 तक रहेगा, लेकिन भारत में जो इसकी टाइमिंग रहेगी वो शाम को 5:32 से शुरू होगी और शाम को 6:18 पर खत्म हो जाएगी। और ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है, यानी कि इसका जो सूतक काल होगा वो सुबह 9:21 से शुरू होगा और शाम को 6:18 पर ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाएगा। सूतक काल के दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। सूतक काल लगने के बाद आपको कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है और ना ही आपको मंदिर की मूर्ति को स्पर्श करना है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण जो होता है वो गर्भवती महिलाओं के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर काफी ज्यादा धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा काफी ज्यादा कष्ट में होते हैं, जिस वजह से वातावरण में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फैलती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान स्पेशली ध्यान रखने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहला काम, आपको सूतक काल स्टार्ट होने से पहले ही खाने की चीजों में एंड दूध में और पानी में तुलसी के पत्ते डाल देने हैं और आपको नहाने के पानी में भी तुलसी के पत्ते ऑलरेडी डाल देने हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते डालने से जो खाने पीने की चीजें होती हैं वो बिल्कुल भी दूषित नहीं होती हैं। और आपको ग्रहण के दौरान पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करनी है। आप ग्रहण के दौरान मानसिक पूजा बिल्कुल करें। आप जो है अपने मन ही मन गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा एंड दुर्गा पाठ और अपने इष्ट देव को बिल्कुल याद करिए। ऐसा करने से आपके आसपास निगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं आती है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आपको ग्रहण से पहले ही नहा धोकर साफ सुथरे होके बैठना है, इससे भी आपके पास नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं आती है। और आप ग्रहण के दौरान एक कमरे में बैठे और आप अपने खिड़की दरवाजे सारे बंद कर ले, ताकि जो भी हानिकारक किरणें होती हैं ग्रहण के दौरान वो आपके आसपास ना पहुंचे। और इसके अलावा आपको कोई भी धारदार और नुकीली चीज नहीं चलानी है, जैसे कि सुई, चाकू, कैंची आदि। और आप ग्रहण के दौरान अपने पास कुछ तुलसी के पत्ते कटोरी में जरूर रखें, या फिर आप अपने पास एक नारियल भी रख सकती हैं। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके आसपास बिल्कुल नहीं आती है। और आप अपने पेट पर गेरू का भी लेप लगा सकती हैं। ग्रहण के दौरान अगर आपको प्यास लगती है या फिर भूख लगती है तो आप पानी बिल्कुल पी सकती हैं एंड खाना भी खा सकती हैं। बट याद रखें, आप जो भी चीज ग्रहण के दौरान ले रही हैं उनमें तुलसी के पत्ते ऑलरेडी पड़े होने चाहिए। और आपको ग्रहण के दौरान वॉशरूम जाना हो या फिर यूरिन वगैरह पास करनी हो तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। और आप ग्रहण के दौरान आराम बिल्कुल कर सकती हैं। और अगर आपको कोई भी जरूरी काम नहीं है तो आप कोशिश करें ग्रहण के दौरान बाहर ना ही निकलें। अगर आपको कोई बहुत ही अर्जेंट काम है तभी आप अपने आप को पूरा ढक कर ही निकलें। और ग्रहण समाप्त होने के बाद दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, जो आपको नहा धोकर जरूर करना चाहिए, जिसमें आप फल, वस्त्र और अनाज अपनी इच्छा के अनुसार बिल्कुल दान कर सकती हैं। और आपको ग्रहण को लेके बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है और ना ही आपको बिल्कुल घबराना है। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दे, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। और अगर आपके मन में ग्रहण को लेके कोई सवाल है या फिर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।